हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 2019 से दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो इसी बार एग्जाम हुआ है उससे आई हुई हैं। तो पहली प्रॉब्लम में क्या है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज एज शोन इन फिगर, फोर आर बराबर 10 मीटर, थीटा बराबर 60, क्यू बराबर 10^-6 कूलम, डी इक्वल टू 10^-3 मीटर, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल। तो इस केस में क्या था कि यहाँ से किसी समय पर ये जो आर है वो ये गिविन था, और यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है किसी समय पर 10 मीटर। जो ये डी है उसकी वैल्यू दे रखी है 10^-3 मीटर। जो चार्ज है एक माइनस क्यू बाई टू रखा है इधर वाई एक्सिस के ऊपर, और एक माइनस क्यू बाई टू रखा है इधर नेगेटिव डायरेक्शन में। ये हमारा ओरिजन है 0, 0, और यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा है जेड एक्सिस के ऊपर जो कि डिस्टेंस पे है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी डी है और यहाँ से यहाँ तक की भी डी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करते हैं कि हम सदा डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और डायपोल मोमेंट पर मैंने वीडियो पहले अपलोड की हुई है, उस पर मैंने समझा रखा है, एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के एक मेथड समझाए हैं, उसी से एक क्वेश्चन था और बहुत ईजीली से सॉल्व किया जा सकता था। हमें करना क्या था कि यहाँ पर पहले डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लें, इसका माइनस क्यू बाई टू चार्ज है। तो डायपोल मोमेंट में क्या होता है कि सदा जो चार्ज है वो और उसका जो कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चार्ज है माइनस क्यू बाई टू, और जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो डी जे हो जाएगा। जे तो डायरेक्शन के लिए और डी यहाँ तक की डिस्टेंस, तो माइनस क्यू बाई टू इंटू डी, और जे कैप यूनिट वेक्टर के लिए ले लें जो हमने यहाँ लिया है। उसके बाद इसके लिए सिमिलरली जाए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नेगेटिव होगी, माइनस क्यू बाई टू और माइनस डी इंटू जे हो जाएगा इसका डायपोल मोमेंट, इसके कारण जो हमारा यहाँ चार्ज है। जो ये प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण है डायपोल मोमेंट ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू चार्ज और ये डिस्टेंस डी हो जाएगी, और डायरेक्शन के लिए के कैप हो जाएगा। तो यहाँ से देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो डायपोल मोमेंट आ जाएगा क्यू डी के कैप। तो ये सबसे पहला काम इसमें यही करना था। क्यू की वैल्यू दे रखी है किसी समय पर 10^-6 कूलम, उसको यहाँ पुट कर दें। डी दे रखा है हमारा 10^-3, उसको यहाँ पर रख दें। ए की वैल्यू यहाँ से गिवन है, और ये हमारा पी की वैल्यू 10^-9 हो जाएगी। उसके बाद पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला पता है डायपोल के कारण, क्योंकि इसने कहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V=1/4π0Pcosθr2। तो यहाँ से हम देख लें किसी समय पर थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री है, और आर हमें यहाँ पर दे रखा है किसी समय पर 10 मीटर, वो रख लें। और 1/4π0 की वैल्यू भी गिवन थी 9/10^9, cos 60 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लें। तो ये हमारा 9/2×10^-2 वोल्ट आ जाएगा, इसे 4.5×10^-2 वोल्ट लिख पाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करके आंसर मार्क कर दें। इस टाइप से इसको हमें सॉल्व करना था। उसके बाद जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम है वो एंट्रोपी से है, और सदा मैंने कहा है एंट्रोपी से इस बार दो क्वेश्चन आए थे। एंट्रोपी सदा ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है कंपटीशंस के लिहाज से, तो जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट का एग्जाम देने वाले हैं वो भी तैयार करके जाएं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन से। तो एंट्रोपी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ फिर इसका डिस्कशन देता हूँ। इन ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर 0.01 kg ऑफ आइस एट 27 kg मिक्स्ड विद 0.1 kg ऑफ वाटर। एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है जिसमें आइस है 0.01 kg की, और ये 273 K पे मिक्स की जाती है 0.1 kg ऑफ वाटर में, जिसका टेम्परेचर है 300 K। निगलेक्टिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर को निगलेक्ट करना है। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, जूल केल्विन में हमें एंट्रोपी सिस्टम की पूछी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है 4.2 kJ/kg, और ये पर केल्विन में दिया है, या 4.2 J/g/K हो जाएगी ये वैल्यू, तो ये हम ले सकते हैं यहाँ। लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखी है 335 kJ/kg। तो ये दोनों डाटा हमारे पास में गिवन थे और ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो बेसिकली इसकी मैं फिजिक्स पहले आपको समझाना चाहूँगा कि होगा क्या कि जो हमारा वाटर है 0.1 kg का, तो इसका मास भी ज़्यादा है और ये हाई टेम्परेचर पर भी है, तो इसके पास हीट कंटेंट ज़्यादा होगा। और यहाँ से क्या होगा कि किसी समय पे अगर वाटर और आइस आपस में मिक्स करेंगे तो वाटर से जो हीट है वो फ्लो कर जाएगी आइस की तरफ, और आइस क्या करेगी पहले कि जो हीट कंटेंट है पहले आइस मेल्ट होगी, और अगर वो किसी समय पे स्टेट परिवर्तन से एनर्जी ज़्यादा होगी हीट एनर्जी, तो फिर उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि पहले ये देखेंगे कि किसी समय पे जो अवस्था परिवर्तन है उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है आइस की। तो हम देखेंगे कि अगर हम मान लें कि किसी समय पे मास M1 है जो हमारी आइस का है और L लेटेंट हीट होती है, तो M1L जो अमाउंट ऑफ हीट है किसी समय पे
वो वाटर से जो निकल के आइस को मेल्ट करने में खर्च हो जाएगी, तो स्टेट को परिवर्तित करने में खर्च हो जाएगी। और ओसिलेटिंग हीट इसलिए कहते हैं कि उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो स्टेट परिवर्तित करने में ही खर्च हो जाती है, टेम्परेचर राइज नहीं होता। ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो हमारे पास में जो अमाउंट ऑफ हीट है अवस्था परिवर्तित के लिए वो m1 × l होगा। तो ये हम m1 × l ले लें, ये अवस्था परिवर्तन के लिए होगी। अब अगर m1 l से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिल जाती है तो उसके बाद में जो हमारे पास -0°C पर होगी, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज होगा। और टेम्परेचर सपोज किया हमारी स्पेसिफिक हीट है वाटर की C1, और m1 सपोज किया हमारे पास माइस थी, तो जो हमारे पास में बाकी का अमाउंट ऑफ हीट है m1 l के अलावा अवस्था परिवर्तन के बाद, वो किसी समय पर टेम्परेचर राइज के लिए काम आएगा। और उसमें क्या होगा कि जो आइस है 0°C से आगे उसका टेम्परेचर हमने मान लिया किसी समय पर वो टी हो जाता है, तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ हीट वो रिसीव करेगी आइस वो m1 l तो करेगी अवस्था परिवर्तन में, और टेम्परेचर जो आइस का 0°C से उसके बाद में वाटर में परिवर्तित होने के बाद जो राइज होगा वो m1 c1 और t-t1 होगा। क्योंकि टी किसी समय पे जो हमारे पास होगा वो हम देखेंगे, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि टी हमारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है जो हमारा दोनों सिस्टम अचीव कर लेते हैं। तो जो किसी समय पे यहाँ ये तो हमारे पास में आइस के द्वारा हीट रिसीव हो गई जो आइस ने रिसीव की, और टी यहाँ पे हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। उसके बाद हीट गिवन बाय वाटर देखें, क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम है वो थर्मल इंसुलेटेड है, तो क्या होगा हीट जो है किसी समय पे वो बाहर नहीं जाएगी थर्मल इंसुलेटेड के कारण। तो जो हीट किसी समय पे वाटर से मिलेगी आइस को, वो हीट जो गिवन बाय द वाटर है वो हीट रिसीव बाय द आइस होगा। तो हीट रिसीव बाय द आइस तो हमारी हो गई m1 l + m1 c1 t-t1। अब ये जो हमारी किसी समय पर टेम्परेचर था शुरू में T2, किसी समय पे जो वाटर का, बाद में जो उसका टेम्परेचर फॉल होगा, क्योंकि होगा क्या हीट वहां से फ्लो करेगी तो उसका टेम्परेचर फॉल होता जाएगा और वो हीट बेसिकली आइस को मिलती जाएगी। तो जो वो हीट देगा किसी समय पे वो हमारा एक फेमस एक्सप्रेशन है mc∆θ, तो वहीं से मैंने ये लिया है। एम की जगह पे तो हमारा आ जाएगा m2, जो हमारा वाटर का किसी समय पे जो ये दे रखा है मास ये होगा, और c2 जो स्पेसिफिक हीट होगी वाटर की, और T2 - T में T2 जो टेम्परेचर होगा वाटर का इनिशियली, और T जब होगा जब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो ये हमारे पास में हीट गिवन बाय द वाटर इतनी हो गई, और ये हमारी हीट रिसीव बाय द आइस हो गई। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमें ये लगाना है, याद रखें कि किसी समय पर अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना होता कहीं भी सिस्टम में तो हम इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। उसके बाद m1 की वैल्यू पुट कर दें 0.01 kg, एल की वैल्यू दे रखी है 335 kJ/kg, उसको पुट कर दें जो यहाँ से हमें पुट करनी है, प्लस m1 जो हमें दे रखा है वो देखें यहाँ पर गिवन है 0.01 kg, दिस वन वो यहाँ रख दें 0.01। उसके बाद c1 की वैल्यू ले लें, ये हमारे पास c1 दे रखा है 4.2 kJ/kg केल्विन, उसे यहाँ पुट कर दें 4.2 को। उसके बाद t-t1 आ जाएगा, ये स्टेप में ये इसके साथ ही अटैच है इसकी मल्टीप्लीकेशन में, टी माइनस और t1 है हमारा 273 जो यहाँ गिवन है, तो यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास में इधर की तरफ हीट रिसीव है। अब गिवन हीट देख लें, m2 की वैल्यू हमारे पास है 0.1, वो यहाँ पर पुट कर दें 0.1 kg। c2 हमारे पास ये होगा क्योंकि वाटर अवस्था में ही है, तो 4.2 kJ/kg, और t2 है 300, यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, दिस वन माइनस t। उसके बाद क्या करें हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.35, यहाँ से जो मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 0.042, और t-273 दिस वन आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.42 और 300 - t दिस वन वैल्यूज। उसके बाद 3.35 को ऐसा रखें, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें 0.042 t आ जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आ जाएगी 11.466, और ये नेगेटिव साइन यहाँ से आएगा जब ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 1.26, और 0.42 t इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। उसके बाद टी के कोफिशिएंटों को एक साथ ले जाएं और बाकी जो टर्म है उसको एक साथ ले लें, तो 0.42 तो हमारे पास में दिस वन आ जाएगा इधर की तरफ आके, और 0.042 ये इधर से मिलेगा, कॉमन निकाल दें इसे टी साथ में ले लें, और इस टर्म को इस वाली टर्म को इधर ले जाएं और इस टर्म को इधर ले जाएं, तो 1.26 प्लस 11.466 माइनस 3.35, और जो ये वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से ये हमारे पास ऐड होकर आ जाएगा 0.462 t, और ये जो ऐड होने के बाद ये जो दोनों टर्म है वो आ जाएंगी 137.466 और -3.35 कर दें तो 134.116 आ जाएगा ये। उसके बाद हम क्या करें,
जो 0.462 है इससे डिवाइड कर दें इसको, तो टी आ जाएगा 134.116 अपॉन 0.462, ये सॉल्व करके मिलेगा हमें 290.29, अप्रोक्स 0.3 के अप्रोक्स रहेगी ये वैल्यू। अब हम देखें कि एंट्रोपी चेंज का हमारा फॉर्मूला हम कैसे निकालें। तो एंट्रोपी चेंज हमारे पास में टू टाइप से होगा, एक होगा एंट्रोपी चेंज किसी समय पे अवस्था परिवर्तन में आइस का, तो बेसिकली जो हीट रिसीव करता है उसकी एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि जो हीट रिसीव करता है उसके मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलती है और हीट एनर्जी मिलने से उसमें डिसऑर्डर बढ़ता है जिससे उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। तो इसमें क्या होगा कि आइस की एंट्रोपी बढ़ेगी तो उसकी पॉजिटिव लें एंट्रोपी, और किसी समय पर जो हीट देता है तो वहां से हीट कंटेंट निकलता है तो वहां डिसऑर्डर कम होता है तो वहां एंट्रोपी घटती है। तो वाटर की तो एंट्रोपी इसमें डिक्रीज होगी और किसी समय पर जो हमारी आइस है उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो जो एंट्रोपी का फॉर्मूला है अवस्था परिवर्तन में आइस के लिए हम लगाएंगे m1L1/T1, क्योंकि जो हीट यूज हुई किसी समय पर टेम्परेचर T1 पे वो अवस्था परिवर्तन में m1L1 हुई, तो हमारे पास में जो एंट्रोपी चेंज आ जाएगा किसी समय पर वो आ जाएगा m1L1/T1, ये तो आ गया किसी समय पर आइस का अवस्था परिवर्तन में। 0°C पर जब आइस किसी समय पर आइस से वाटर बनेगी उस समय पर, प्लस ये हमारे पास में जब उसका टेम्परेचर T1 से T बढ़ेगा तब आएगी, क्योंकि जब अवस्था परिवर्तन होता है तब तो हमारा ml/T फॉर्मूला यूज होता है, और जब किसी समय पर अवस्था चेंज नहीं होती केवल टेम्परेचर राइज होता है तो हमारे पास फॉर्मूला हम लगाते हैं mc log Tf/Ti, जहां m मास होगा, c स्पेसिफिक हीट होगी, Tf फाइनल टेम्परेचर और Ti इनिशियल टेम्परेचर होगा, क्योंकि हम लिखेंगे dq = mc dt किसी समय पर dt टेम्परेचर के लिए, और dq/T करेंगे तो हमारा बन जाएगा mc dt/T, उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर देंगे i से लेकर f तक, तो वहां पर चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगा mc log base Tf/Ti। तो वहीं से मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, m1L1/T1 की वैल्यू ले लें वो आ जाएगी 0.01 × 335/273, जो सॉल्व करके वैल्यू देगा 0.01227, और प्लस m1c log E T/T1, जब आइस का टेम्परेचर T1 से T तक पहुंचेगा उस समय पर चेंज इन एंट्रोपी। तो ये 0°C पर एंट्रोपी चेंज है आइस की, मास m1 की, और जो हमारे पास मास m1 का टेम्परेचर T1 से T राइज हुआ है उस समय पर एंट्रोपी चेंज है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू को 0.01 रख दें, c की वैल्यू को 4.2 रख दें, log E, t की वैल्यू को 290.29 लिख दें, T1 को 273, इसको सॉल्व कर लें तो ये मिलेगा हमें 2.56 × 10⁻³, ये इसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये थी हमारी जो सॉल्व करके वैल्यू मिल रही थी 0.227, और यहाँ पे ये दो टर्म में इसको ऐड कर दें, ये दोनों ऐड होकर मिलेगी हमें 0.01483, इस टाइप से हमारा ये ऑर्डर मिलेगा इसका। उसके बाद हम ये तो एंट्रोपी में बदलाव जो आया या आइसकीम आया और ये एंट्रोपी बढ़ी क्योंकि इसको ही अमाउंट ऑफ हीट मिला तो इसका डिसऑर्डर बढ़ा। अब देखें कि जो हमारे पास जो वाटर है जो हीट दे रहा है उसकी एंट्रोपी कितनी कम होगी, तो वहां पे भी फॉर्मूला लगा दें mc log T2/T और नेगेटिव चिन्ह बाद में यूज कर दें, तो यहाँ से m की वैल्यू रख दें 0.1 और c रख दें 4.2, log T2 की वैल्यू 300 है और T हमारा 290.29, इसको सॉल्व कर दें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 0.01363, इस वैल्यू को लॉग में कैलकुलेट करके और उसका लॉग ले लें 300 को 290.29 से डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पे जो चेंज एंट्रोपी है ये हमारी नेगेटिव में आएगी और ये जो किसी समय पे एंट्रोपी है पॉजिटिव आएगी जो हमने ये कैलकुलेट की थी, इसमें से जो पॉजिटिव आई है उसमें से नेगेटिव को घटा दें तो हमारे पास में जो बदलाव आएगा ये पॉजिटिव चेंज थी 0.01483 जो हमारे पास यहाँ से ऐड होकर आई थी, और यहाँ से वैल्यू आएगी 0.01363, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू आएगी 0.00120 अप्रोक्स इस ऑर्डर की आएगी। तो ये 1/6 में से ये हाँ इसी ऑर्डर की आएगी। उसके बाद हम क्या करें, ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है किलोग्राम में, वैल्यू है किलोग्राम पर, जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो किलो जूल पर केल्विन में वैल्यू कैलकुलेट होगी दिस वन, तो किलो जूल पर केल्विन की बजाय उसने आंसर पूछा है जो हम आंसर में देख रहे हैं जूल पर केल्विन में, तो किलो जूल पर केल्विन को जब हम जूल पर केल्विन में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.2 के ऑर्डर का आएगा। तो मुझे उम्मीद है किसी समय पर जो इसकी आंसर की संभावना है वो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर 1.2 से 1.3 की रेंज में कहीं मार्क करके हमें मिलेगा जो पेपर में मिलेगा, क्योंकि एक रेंज में आता है आंसर, क्योंकि थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है उसमें पॉइंटों से चेंज आ जाता है आंसर में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा डिस्कस करूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपकी समझ आया होगा
और ये कंसेप्ट भी आपकी समझ आया होगा। तो लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं इन कंसेप्टों पर बेस, कहीं अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो मार्क कर दें, मैं आगे वीडियो में करेक्शन दे दूंगा। तो अपनी तैयारी करते रहें, और जो इन स्टूडेंटों का जस्ट का पेपर है वो भी इन क्वेश्चनों को कर जाएं, उनको भी इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।